यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस। 7 सितंबर को हर जिले में पैदल यात्राएं सभाएं। कांग्रेस प्रदेश भर में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालय पर शाम 5-6 बजे कांग्रेस नेता पैदल यात्राएं निकालेंगे। पैदल यात्रा के बाद सभाएं करेंगे। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिलाध्यक्षों को सर्कुलर भेजकर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के आदेश दिए हैं। सर्कुलर में पहली बार वर्षगांठ पर किए जाने वाले कार्यक्रम सहित पूरा ब्यौरा भी दिया है। प्रदेश कांग्रेस के पास संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेटर भेजा था, जिसमें हाईकमान के आदेशों का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर हर जिले में कार्यक्रम करने को कहा था। इसके बाद डोटासरा ने सर्कुलर जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलाध्यक्षों को भेजी दी पैच। भेजे गए सर्कुलर में भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा होने का जिक्र किया है। डोटासरा ने सर्कुलर में लिखा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। यात्रा की वजह से कर्नाटक चुनावों में पार्टी ने सत्ता में वापसी की। यात्रा का ये प्रभाव आगामी सभी राज्य स्तरीय और लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा और हमारी सबसे पुरानी पार्टी के गौरव को बहाल करने का रास्ता साफ होगा। भारत जोड़ो यात्रा के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। हर जिले में एक वरिष्ठ नेता की ड्यूटी लगाई गई। पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व और मौजूदा जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के आदेश दिए। इन कार्यक्रमों में भारत जोड़ो यात्रा की ज्यादा से ज्यादा फोटो और वीडियो का उपयोग करने के लिए भी कहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कार्यक्रम होने के लिए इसकी पहली वर्षगांठ पर हर जिले में AICC के आदेशों के हिसाब से रैली और सभाएं करवाने के लिए सर्कुलर भेजा गया। सभी जिला अध्यक्षों को वर्षगांठ पर किए गए कार्यक्रमों के सबूत उसी दिन शाम को प्रदेश कांग्रेस को भेजने होंगे। प्रदेश कांग्रेस AICC को इसके बारे में रिपोर्ट भेजेगी।